शेफ खतीजा मुनिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो मिल चुके। मैं समझी थी कि आप जो है वो चली गई हैं शादी पर। आपने कहा था ना जी, जी। सभी मैं ईद के बाद जाऊंगी शादी पर, तो मैंने मिस किया तुम्हें ईद पर। कोई बात नहीं, मुझे असल में थोड़ा लेट होगी इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी है, मैंने कहा थोड़ा लेट चली तो और गर्मी बढ़ गई। पता नहीं गर्मी तो सड़ा पिछा ही नहीं छोड़ रही, वाकई नहीं छोड़ रही। इतनी गर्मी है कि इंतहा होगी अब तो। अब तो सोचो तुम तैयार कैसे होगी, वो झिलमिल वाले कपड़े कैसे। मैं तो सोच रही हूँ लोनो भी बन के चली जाऊँ। लेकिन मैंने यकीन करो आई एम सो हैप्पी कि मैं जा रही हूँ अपनी कजन के घर में, वहाँ पे शादी है और वो बहुत खूबसूरत इलाका है केपी के, आपको पता है कितना हसीन है। और आपके बाद मेरी सिस्टर है, लाहौर भी बहुत हसीन है लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर बारिशें हो रही हैं और जलथल मची हुई है और बर्फबारी भी कुछ मतलब बैक साइड पर वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। वहाँ की खूबसूरत जगह है, मैं नाम लूंगी तो तुम कहोगी यार वाकई में वहाँ नेरिस्ट है। बलाकोट, हुंजा, कागान, नारान की वाई बड़ी खूबसूरत जगह है हुंजा, और इसके अलावा अताबाद लेक भी उधर ही गिलगित की तरफ आती है। और मैं क्योंकि इन जगहों पर गई भी हूँ, बड़ा मजा आया। बाबू सर टॉप, ये अच्छा ये जब ये ट्रैक चलता है ना, मनसेरा से चलता है और फिर आता है बालाकोट आता है, फिर किवाई आता है, फिर उसके बाद कागान, नारान, फिर हुंजा, फिर इस तरीके से जितने जितने खूबसूरत है, फिर आता है बाबू सर टॉप सबसे ऊपर, फिर आप नीचे उतरते तो गिलगित शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा विजिट किया और एक जगह का मुझे वो मतलब एक ट्रैक पता है। अच्छा वहाँ एक ही ट्रैक होता है, यानी एक इधर से आ रही है इधर से जा रही है, यानी कि हम यहाँ पर मोहल्ले में यहाँ से रास्ता बंद है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वही की इस तरह पहाड़ नीचे खाई अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लाह बच जाओ तुझी मासी ते माई, तो वो बात है कि बहुत एहतियात बहुत जरूरी है, बी केयरफुल। खूबसूरत आबशार है। इस बार हमने टूर जरा सा सोचा है कि शादी अटेंड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं आजाद कश्मीर। अब आप ये चाह रही हैं कि मैं शादी अटेंड ना करूं, पहले वहां चली जाऊं। इतना कश्मीर की खूबसूरत जगहें बड़ी प्यारी हैं, दो तीन जगहें, तो वो एक ही उसमें हम टूर में सोच रहे हैं एक दिन में ही दो दिन में विजिट कर लेंगे। वो बड़ी कौन सी जगह है, नीलम, नीलम वैली बड़ी खूबसूरत है। और इसके अलावा और वहाँ पर बटग्राम, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम है अजीब से, लेकिन बड़ी हसीन वादियाँ हैं और बंदा एक एक महव हो जाता है उसके अंदर। और इसलिए मैं महव हो गई और मैं भूल ही गई आज पक क्या रहा। सॉरी आज बन रहा है मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल, तो हाईवे पे जाने की जरूरत नहीं है, शेफ खतीजा से कांटेक्ट करें। और इनका जो नेम है, ब्रांड नेम है, वो है केक एंड ग्लेस, मैंने केक एंड ग्लेस के नाम से। तो देन हम स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ चिट चैट भी करेंगे और देखेंगे हम कहाँ तक लाहौर से आगे कहाँ जा रहे हैं। चले जी क्या डाले इसमें, मेरे पास मटन है डन बॉईल, ये ठीक है, इसको मैंने ना बॉईल किया हुआ है, ये बिल्कुल गला है जी बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल डन है। ओके डन हुआ है, इसको मैंने गलाने के लिए इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट आ रही थी 1 टेबलस्पून और नमक डाल के सिर्फ इसको बॉईल किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं, ये लहसुन अदरक अदरक का पेस्ट और नमक नमक ओके ठीक, इसको बॉईल करके रख दें। आपने कभी भी कढ़ाई बनानी हो कि आप कोई गेस्ट आ रहा है कुछ भी हो रहा है, आप ये चीज बना के रख लेंगे तो आपकी कढ़ाई 15 मिनट में, मेरी फेवरेट चर्बी वाला मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट, लेट्स सी अगर चलते आगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, जो प्याज है मीडियम साइज की, इसको हमने इस तरह से चॉप कर लेना ठीक है। और इसमें एक पाव टमाटर है, बड़े टमाटर ले लीजिए 3, वो ऐड करने हैं इसमें है। और इसका छिलका उतार लेना टमाटर का, अच्छा जी बिल्कुल स्किन के बगैर यूज करेंगे ठीक है। फिर इसमें डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, वो होती है ना देगी लाल मिर्च, वो डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो देगी लाल मिर्च कहना पड़ता है, जी बिल्कुल कहना पड़ता है। कैसा होता है इसका, इतना स्पाइस नहीं होता, नॉर्मल स्पाइस होता है, लेकिन ये कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है फिर। ओके कहना पड़ेगा देगी लाल मिर्च कहना पड़ेगा आपको। और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट नमक इसमें डाला हुआ है तो मैं कम ही यूज करूंगी, थोड़ा कम यूज जी। ओके तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा ये इसमें है कढ़ाई मसाला जो मैंने बना के लाई हूँ, इसमें क्या क्या चीजें डाली वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सूखा धनिया डाला हुआ है, जो साबुत होता है ना सूखा धनिया, वो ऐड किया 1.5 खाने का चम्मच, बड़ी प्यारी ठीक है 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया ओके, और 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च साबुत जो है वो इसमें 10 डाली गई है ओके, साबुत लाल मिर्च 2 चीज होंगी ओके,
काली मिर्च 1 टेबल स्पून भर के डाली, ठीक है, ठीक है। जीरा पाउडर, जीरा जो है साबुत, वो भी 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया, ठीक है, ठीक है। इसमें डाली गई 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा वो डाला, और ये सब कुछ डाल के हमने तवे पे पहले इसको हल्का सा, ठीक है, रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद हमने ये देखे इस तरह से कूटना है कि सब नजर आ रहा है कि क्या है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो ये सब इसमें डालना है, ये हमने इसमें यानी कि सिर्फ ये स्पाइस डालेंगे और ये डालेंगे। इसमें रेड चिली जो पाउडर होता है ना कम यूज किया जाता है, अच्छा, इसमें कुटी लाल मिर्च जो है ना वो ज्यादा ऐड की जाती है। तो ये एक मसाला है जो हम इसमें डालेंगे। ओके, डन हो गया, डन हो गया जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।